सभा के अंदर ऐसा लगता है कि हिमाचल प्रदेश में जो आम मेहनतकश जनता है उन्होंने एक मूड बनाया है कि इस बार इसमें एक बड़ा भारी परिवर्तन आने जा रहा है। हमारी मैं सबसे पहले आज इस नामांकन पत्र भरने से पहले अपनी पार्टी को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने मुझे एक मौका दिया। जो इस क्षेत्र के बुजुर्ग थे, नौजवान थे, महिलाएं थी, मेहनतकश जो हमारे पशुपालक हैं, किसान हैं और विशेष रूप से इस क्षेत्र में बहुत कर्मचारी हैं जिनका ओपीएस का मुद्दा है, हमारे आउटसोर्स वर्कर हैं, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर हैं, स्कीम वर्कर हैं, उनके कई किस्म के मुद्दे हैं और वो आवाम हमारे यहाँ 14 जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वार्ड है उसमें बसते हैं, उनकी जो आवाज है 13वीं विधानसभा में साथी राकेश सिंघा अकेले से उठाते आए हैं। इस विधानसभा में जनता ने मूड बनाया है कि कोई भी पार्टी या कोई व्यक्ति अगर वो एक जनहित के बारे में काम करना चाहे, वो अगर अकेला हो, एक अकेले राकेश सिंघा ने विधानसभा के अंदर एक सही माने में जो विकल्प दिया है और सड़कों पर जनता ने जो उनका साथ दिया है, आने वाले समय में इसका बड़ा प्रभाव होगा। जहां तक सुमटी क्षेत्र की बात है, ये चिराग तले अंधेरे की बात है। यहां पर शिक्षा का स्तर, उच्चतम शिक्षा यहां पर केवल 4% है हमारे दूर दराज के इलाके में। अधिकतर स्कूलों में यहाँ पर केवल एक ही टीचर है। बहुत ऐसे भी हमारे स्कूल हैं डूंगा गांव जैसे और इस समय जो अनु अम्बापुर है वहां पर कोई भी टीचर स्कूल के अंदर नहीं है, 10-10 वैकेंसियां पड़ी है। स्वास्थ्य के बारे में देखें तो कोई भी जो टेस्ट है यहाँ पर नहीं होता था संघर्षों के माध्यम से, अब कहीं जाके स्वास्थ्य केंद्रों में टेस्ट होते हैं। सड़कें देखें तो हिमाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा जो वायलेशन वन विभाग के अंदर हुई है वो इस क्षेत्र में हुई है, 350 के करीब। अब उनको रेगुलराइज कराने में लोगों ने ये विश्वास जताया है और हमसे ये उम्मीद कर रहे हैं इस समय कि जैसे साथी राकेश सिंघा हिमाचल प्रदेश में नंबर एक पे रहे हैं, 173 फॉरेस्ट क्लियरेंसेस 1222 में केवल ठियोग विधानसभा क्षेत्र में हुई है, जो अपने आप में एक इतना बड़ा काम हुआ है। लोग ये समझते हैं उनके साथ जो उनकी टीम है और हम यहाँ कसुमटी के अंदर इन रोड्स को रेगुलराइज कराकर उसमें सरकारी गाड़ियां भी चलेगी, बसेस भी चलेगी, एम्बुलेंसेज भी चलेगी, इन उम्मीद के साथ जो लोग हैं आज हमारे साथ यहाँ पर खड़े हैं और इस नामांकन पत्र भरने में भी आज हमारे भूषण ज्वेलर्स अनमोल रिश्तों के लिए।